गाइस यार अभी जो है वो है सर्दी का माहौल और सर्दी में जो है काफी कोहरा है और यार कोहरे में तो जो है मुंह से फोग निकलना आम बात है, लेकिन क्या जो है हम हाथों से भी जो फोग निकाल सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो मैं जो भी है हाथों को मेरे रख कर रहा हूँ और देखता हूँ कि जो हाथों से है फोग निकलता है या नहीं। तो ये क्या, मेरे हाथों से तो है जो फोग नहीं निकला है, लेकिन फिर से मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैं लेता हूँ कुछ खाली माचिस की डिब्बियाँ। ये जो है माचिस की जी जो है खाली डिब्बियाँ है, आप देख सकते हैं। और अब क्या करते हैं कि इनके अंदर का जो मटेरियल है या इनके अंदर का जो कवर है उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर जो है मैं दिखाता हूँ आपको मैजिक। तो ये जो है हमने जो माचिस की जो खाली डिब्बी कर ली है और अब क्या करते हैं इसके जो साइड का जो कवर है या फिर जो इसके जो साइड में ये जो सल्फर लगा हुआ है, इस सल्फर को हम कुछ इस प्रकार से फाड़ के बाहर निकाल लेते हैं सारी माचिसों का। तो ये जो है हमने सल्फर को बाहर निकाल लिया है और अब क्या करते हैं सारी माचिसों को लेते हैं और इस प्रकार से फाड़ के हम इनको अलग कर लेते हैं। तो फाइनली अब मैंने इन कागज़ के टुकड़ों को बाहर निकाल लिया है और अब जो है मैं लगाता हूँ अब इसमें आग और फिर दिखाता हूँ आपको मैजिक। तो मैं इसमें जो है अब इसमें आग लगा रहा हूँ और तब देखते हैं कि इसमें क्या मैजिक होता है। और इसमें से जो है वो फॉग निकलना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं इजीली कि इसमें से जो है वो फॉग निकल रहा है। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी माचिस के टुकड़े हैं अब उन सभी टुकड़ों को हम जला लेते हैं इस माचिस की सहायता से और फिर देखते हैं कि क्या मैजिक होता है। तो ये जो है मैं इस माचिस के टुकड़े को इसमें आग लगा रहा हूँ और इस प्लेट में इसको जलने के लिए छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो फाइनली जो है ये माचिस के टुकड़े हैं इनको हमने जला लिया है और ये जो जली हुई राख है इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। और अब जो इसके अंदर जो ये मटेरियल बचा हुआ है जो कि इसके अंदर जमा है इसको हम अपने फिंगर से रब कर लेते हैं और अपनी उंगलियों पे लगा लेते हैं और अब इसको थोड़ा सा हम रब करके देखते हैं और फाइनली आप देख सकते हैं कि जो मेरे हाथों में से है जो अभी फॉग निकलना शुरू हो चुका है। तो गाइज यार आई होप कि आपको जो ये वीडियो है जरूर पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो ये लाइक तो जरूर से बनता है। तो मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।